कंट्रोल्स तमाम आपको दिख रहे हैं भाई, इसमें इतनी लाइट्स हैं, इतनी लाइट हैं कि आप लाइट का ही शो देखते रह जाओगे, भूल जाओगे दुबई वगैरह के लाइट शो। ये देखो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आप, लाउंज कंप्लीट हो जाएगा, पीछे ट्रैवल इतना मिल रहा है भाई। अब आप कहोगे बस में किचन का क्या काम है भाई, इस तरह से मिल रहा है आपको टॉयलेट। हेलो दोस्तों, पहाड़ खड़ा है हमारे आगे भाई, लिटरली इतनी ऊंची बस है और इतनी प्यारी बस है। कुछ कार हैं, सही में बता रहा हूँ, कुछ कार हैं जिनको देखना पसंद नहीं करोगे आप इस बस के आगे भाई। इतनी प्यारी बस बनाई है वॉल्वो ने, वॉल्वो 9600, और ये इंडिया की सबसे लंबी बस है। अभी मैं केवल फ्रंट के सामने खड़ा हूँ, आप कहोगे भाई ये सिर्फ लंबी नहीं, ये तो ऊंची भी है। एक एक करके इतनी चीज़ें हैं इसमें भाई, ये बिजनेस कोच है, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट, जो भी बिल्कुल प्योरेस्ट VVIP होते हैं ना भाई, उनके लिए है। अब देख लो आप इसकी लंबाई, इंडिया की सबसे लंबी बस, 15 मीटर लंबी बस है ये। और आप देख रहे हो इसमें भाई, वो हमर उमर में सीन होता है ना क्रैप वॉक वाला, पिछले जो अपने व्हील हैं एक्सल हैं वो भी घूमते हैं, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पहले बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो भाई बड़ी सी आपको विंडशील्ड मिलती है, और वही वॉल्वो की पहचान, अपने जो वाइपर है वो इस तरह से खुलता है। नीचे की बात करें वॉल्वो का लोगो, यहाँ पर आ जाते हैं तो हेडलैम्प, और इसमें अपना एल्कोमीटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, मतलब सेफ्टी जहाँ आ जाती है वहाँ सबसे ऊपर नाम आता है वॉल्वो का, वो चीज़ इसमें हमें दिख जाएगी। ये हो गया हेडलैम्प यूनिट, यहाँ DRL और नीचे इंडिकेटर, और साथ में ये आप देख रहे हो बहुत नीचा है। रीज़न क्या है भाई, प्रोटेक्शन के लिए, अंडर रन प्रोटेक्शन इसमें दी हुई है। कोई भी पर्सन इसमें भाई नहीं है, टाइम ख़राब है लगता है तो भाई वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये चीज़ है अच्छाई। आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर, तो एक बार शुरू होती है बस भाई ख़त्म नहीं होगी, इंडिया की सबसे लंबी बस है। बात करें पीछे एक्सल की, तो भाई ये जो लास्ट वाला एक्सल आपको दिख रहा है ना, ये भी टिल्ट होता है, जिसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस मैनेज किया गया है भाई। फ्रेम में नहीं आ रही हर एक फ्रेम में, और इसके अंदर आप देखोगे कहोगे कितनी सीटें हैं भाई इसमें, 50 सीटें, 100 सीटें, तो ना 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 ना, इसके अंदर सिर्फ 10 सीट हैं, सिर्फ 10। अब सोच के देखो 10 सीट क्या ही बिजनेस क्लास के लाउंजेस के साथ होंगी, वो सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बात करें इसके इंजन की, तो भाई इसमें दिया हुआ 8000 cc का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 350 bhp की। अब आप कहोगे भाई सिर्फ 350 bhp, भाई ये क्या बात है, फलाना गाड़ी इतना कर दे भाई, इसमें bhp की बात नहीं है, बात आ जाती है टॉर्क की। इसमें आपको मिल जाता है 1350 Nm का टॉर्क, दमदार, देख रहे हो जबरदस्त। ऊपर आपको कैमरा दिया हुआ है वहाँ पर, जो कि हर समय दिखाता रहेगा ड्राइवर को, पीछे कुछ है या नहीं। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं सेंसर 9600 की इस तरह से बैजिंग है। रियर में ही आपको इसका इंजन मिल जाता है, इस तरह से हो गया ये सेटअप। बाकी इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया हुआ है, ठीक है, नीचे ऊपर होता है 83-85 mm के अराउंड, ये पूरा का पूरा ट्रैवल इसमें हमें मिल जाता है। अब आ जाते हैं अंदर, आएंगे सर, तो सर हमें गाइड करते रहेंगे, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी हैं इसमें भाई, एक बंदा तुरंत के तुरंत याद नहीं कर सकता। जैसे ही आप इसके अंदर घुसोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ मिलेगी ड्राइवर सीट, और उसके साथ ये कॉकपिट। ड्राइवर सीट के कॉकपिट को भी, मतलब यहाँ के कॉकपिट को भी इतना ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया, आप देखो एम्बिएंट लाइटिंग, उसके साथ वुडन फिनिश, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये देखो भाई ग्रीज कलर का, बहुत ही लाइट वाइट कलर का आपको यहाँ पर मटेरियल दिया गया है। स्टीयरिंग देख रहे हो ये भाई, बिल्कुल भी फटीग फील ना हो ड्राइवर को इसके लिए। इसमें भी डैम्पिंग दी गई है, ये भी हल्का हल्का एडजस्ट करता है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो वाइब्रेशन होता है ना उसको भी, वैसे तो इसमें पता ही नहीं लगता। उसके साथ सीट एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये देखो देख रहे हो भाई, ये भी एयर सस्पेंशन इसमें भी दिया हुआ है सीट में खुद। उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पर क्लस्टर पे, क्लस्टर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से, ये बहुत मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ डिजाइनिंग दी हुई है। 80 की स्पीड इसमें फिक्स है। उसके साथ ये देखो यहाँ पर दिया हुआ अपना एल्कोलॉक, भाई एल्कोलॉक क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी ड्राइवर आएगा जो कि ऑथराइज है, बिल्कुल इसमें ऐसे ही नहीं कोई भी आया बैठा और चलाने लगा ना, पहले तो ट्रेंड होना चाहिए वॉल्वो की तरफ से, उसके साथ साथ उसके बाद एक्सेस होना चाहिए अथॉरिटी के साथ, और फिर उसके बाद लास्ट आता है एल्कोलॉक, जब वो पास कर लेगा ब्लो करेगा और जो वैल्यू है एल्कोहल की वो कंट्रोल में होगी, तो भाई गाड़ी एक्सेस देगी अपना, गाड़ी आगे चलेगी। उसके साथ साथ अभी भाई ये साथ साथ वर्ड है ना, बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। कंट्रोल्स तमाम आपको दिख रहे हैं भाई, इसमें इतनी लाइट्स हैं, इतनी लाइट हैं कि आप लाइट का ही शो देखते रह जाओगे, भूल जाओगे दुबई वगैरह के लाइट शो, इसमें इतने हैं। उसके साथ नीचे आपको यहाँ पर कंट्रोल देंगे, ये अपना म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक है या उसके अलावा और भी इसमें कंट्रोल होते हैं, नेविगेशन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर हो गया और बड़ा सा यहाँ पर वाइज़र, रीज़न क्या है, विंडशील्ड बहुत बड़ी है ना, तो वाइज़र अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये AC सॉकेट भी है, और उसके साथ साथ
यहाँ पर हर सीट पे इंडिविजुअल दिए हुए हैं अपने एसी वेंट्स, यहाँ पर ये ड्राइवर के लिए भी दिया हुआ है। ओके रिपोर्ट है। और यहाँ भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, ये है गियर लीवर, ऑटोमेटिक गाड़ी है इसीलिए आपको इस तरह से दिया हुआ है। और इसमें गियर कितने हैं भाई, 12 गियर, बिल्कुल 12 फॉरवर्ड हैं और उसके साथ 4 रिवर्स गियर इसमें आपको दिए हुए हैं। टॉक कन्वर्टर पे ये काम करता है। ये हो गया फ्रंट का। बस अब आ जाती है बात यहाँ की, ये है कुछ भाई बिजनेस क्लास आयल, आप देख रहे हो इस तरह से लिट अप है। और इसमें हमारे केवल यही नहीं है, नीचे का तो आपको लाइटिंग यही मिलेगी, इसके साथ साथ ये जो हमारी ऊपर है ये भी RGB लाइटिंग है। यहाँ पर अब आता है असली खेल सीट का। बिजनेस क्लास में अगर कोई बंदा बैठना चाह रहा है तो भाई उसे क्या चाहिए, जो जो कंफर्ट चाहिए वो सारे यहाँ पर वॉल्वो की तरफ से ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, आप ये देखो हाइट कितनी भी हो, इवन अभी अगर सर की आपकी कितनी 5'7" 5'8" होगी, अगर इतनी है भाई यहाँ पर 6.5-7 फिट का भी आदमी बैठ जाएगा ना, उसको भी कोई कमी नहीं होगी। रीज़न यहाँ देखो भाई, पूरा का पूरा कारपेट है, कहीं भी आपको हार्ड मटेरियल यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आप, लाउंज कंप्लीट हो जाएगा, पीछे ट्रैवल इतना मिल रहा है, हेडरेस्ट भी अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्पेस देखो आप इतना। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के नीचे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे इधर वाले कंट्रोल नीचे ऊपर करते हैं अपना बैक रिक्लाइन, उसके साथ साथ ये अपना करते हैं अंडर थाई सपोर्ट। यहाँ पर आपको स्पेस दिया, बीच में चार्जिंग सॉकेट है जो कि चार्ज करता रहेगा आपके फोन्स वगैरह इलेक्ट्रिक गैजेट। ये आपको स्क्रीन दी गई है, हर एक पर्सन को इंडिविजुअल स्क्रीन मिल रही है। इसमें आप पूरा का पूरा जो UI है उसको भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें हेडफोन लगाओ अपने पसंद का, कुछ भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखो, वाईफाई कनेक्टेड है हर चीज़, बहुत सारे इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने बॉटल होल्डर वगैरह दी गई। मेन चीज़ है स्पेस, आपको अपना एक क्यूबिकल दे दिया गया है पर्सनल, किसी से कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपके जो कंफर्ट है उसको हिंडर ना करे। यहाँ की बात आती है तो बड़ा सा आपका शीशा है, किसी को नहीं चाहिए भाई लाइटिंग पसंद नहीं आ रही, रिलैक्स करना है, उसके लिए यहाँ पर दिए हुए हैं ब्लाइंड्स। इस तरह से मैनुअल ब्लाइंड्स है, जितना चाहें आप उतना ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एडजस्ट हो जा रही है इस तरह से आपके एंगल के अकॉर्डिंग। तो भाई मज़ा आ रहा है सीट में सर। तो भाई इस तरह से है, और हर सीट पर आप देख रहे हैं आपको सीट बेल्ट भी मिल जा रही है, कुशन भी है। ये है कुछ इस तरह से फ्लोरिंग आयल की, ठीक वुडन फिनिश है। और केवल सीट ही सीट नहीं है भाई, सीट के साथ साथ इसमें किचन भी है, बिल्कुल अभी रुको अभी दिखाता हूँ। इस तरह से आपको मिल जाता है AC यूनिट बीच में, ओके रिपोर्ट है। और हर सीट पर इस तरह से आपको ऊपर मिल रहे हैं कंट्रोल्स, ये AC वेंट होगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये मैनुअल है, कहा गया है वॉल्वो कस्टमाइजेशन के लिए ही जाना जाता है सेफ्टी के साथ साथ, तो इसको आप किसी भी तरह से कस्टमाइज करवा सकते हो। अभी इसमें 10 सीटें हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें सीट बढ़वा सकते हो, आप इसमें 50 सीटर रख सकते हो, जैसे भी एग्रीगेटर हो, जैसे डिमांड करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें नीडफुल चीज़ें लगवा सकते हो। अब बात करेंगे इसमें किचन की, बिल्कुल भाई इसमें टॉयलेट भी है, सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यहाँ पर अपना सामान वगैरह रखने की जगह हो गई, बहुत बढ़िया। और पूरा का पूरा लाइनर के साथ दिया हुआ है, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है, कोई भी सामान बजने की इसमें आवाज़ नहीं आएगी, लाइनर इसीलिए पूरा यूज़ कर रखा है, ठीक। उसके साथ साथ आ जाते हैं अपने किचन पे, ये है किचन एरिया, क्या बात है भाई। अब आप कहोगे बस में किचन का क्या काम है, कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी डिप्लोमेट है, कोई भी कैसे भी लोग है ना, जिनको बीच बीच में कुछ भी फ्रेश चाहिए, खाने के लिए चाहिए, स्नैक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एरिया दे दिया गया है। मॉड्यूलर किचन है पूरी की पूरी, और यहाँ से उनको फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी मिल सकती है, या कोई भी वो ऑर्डर करते हैं उनको यहीं पर ही सर्व हो सकता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके साथ साथ इसमें टॉयलेट भी दिया गया है सर, एक मिनट, टॉयलेट आपको मिल जाता है इस तरह से, ये देखो क्या बात है भाई, इस तरह से मिल रहा है आपको टॉयलेट यहीं पर ही। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, नेचर्स कॉल है, तो यहाँ पर आप पूरा कर सकते हो नेचर के पास, बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह से आपके यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करें लास्ट इमरजेंसी एग्जिट की, तो ये मिल जाता है आपको, ये अभी तो प्लेटफॉर्म लगा रखा है, लेकिन भाई ऐसा प्लेटफॉर्म साथ में नहीं मिलता, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट मिल रही है। कितने भी सीटें आप इसमें लगवा सकते हो भाई, क्या होगा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको आप 50 सीटर 55 सीटर भी ले सकते हो। एक बार एक एक करके इसका लाइटिंग सेटअप आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती हैं इसकी लाइट्स। 1, 2, 3 हाँ अब देखो भाई इसके कलर चेंज हो रहे हैं,
रीज़न क्या है, रिमोट दिया हुआ है आपको एम्बिएंट लाइट जो है उसका, आरजीबी है, कितना भी आप इसका कलर वगैरह अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दे रखी है, गाड़ी हो तो ऐसी हो वरना ना हो, सीरियसली। और अब आ जाती है बात बाहर से कि और क्या क्या इसमें मिल रहा है, कीमत की बात कर लें। ओहो हो, ये रह गया था, बहुत बढ़िया। ओहो हो, इतने इतने हमको मुंबई में लोगों के रहने की जगहें मिलती हैं जिसमें मैनेज करते हैं, जितनी यहाँ पर सिर्फ सामान रखने की जगह दी हुई है। ये अपना ग्रे वाटर का टैंक है और बाकी उसके अलावा बाकी चीज़ें, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, कितना ही स्पेस है। तो इस तरह से है भाई, करते हैं, नहीं कीमत रह गई थी भाई, अभी प्राइसिंग रह गई थी, प्राइसिंग इसके अराउंड जा रही है 2 करोड़ रुपए, बिल्कुल 2.25 करोड़ के अराउंड जाती है, 1.5 से 2 करोड़ अगर इसमें आप नॉर्मल सीट्स लेते हैं। लेकिन जब इस तरह से बिजनेस क्लास बन जाती है ना ये, तो इसमें आपको करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ इस चीज़ के लिए। ये आपका डोर है भाई, एयर के साथ ही न्यूमेटिक वॉल्व है, खुलेगा बंद होगा, बहुत कुछ है बताने को, क्या क्या बताया जाए, लेकिन लेवल एक अलग है इस गाड़ी का। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर दिया हुआ है, और मोटो है, एम है वॉल्वो वालों का कि हम जो G20 सबमिट होने वाली है उसमें ये गाड़ी डिप्लोमेट्स के लिए भेजें, क्या बात है। और टायर वगैरह नहीं देखा ना हमने, टायर इसमें मिशलिन का दिया हुआ है, 295/80R 22.5 22.5 का। चलो भाई इस तरह से करते हैं अपने वीडियो को एंड, गाड़ी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, क्या बात है, निहारते रहो ऐसी चीज़ों को, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब में चार